नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पंकज सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। जी हां, राजधानी जयपुर के सूर्य विहार कॉलोनी में लोग पानी की भारी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं खास रिपोर्ट की ओर। सूर्य विहार विस्तार नांगल जैसा बोरा में लोग पेयजल की भारी समस्या से जूझ रहे हैं। तपस्या नारी सेवा समिति अध्यक्ष सुधा चौहान ने बताया कि इस कॉलोनी को बसे 20 वर्ष हो गए, मगर इस कॉलोनी में पेयजल की आज भी व्यवस्था नहीं है। इस कॉलोनी में केवल एक ट्यूबवेल 4 इंची लगा हुआ था, जो भी एक वर्ष से खराब हो चुका। कॉलोनी में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, मगर कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है, जबकि महज 500 मीटर दूरी पर बीसलपुर पेयजल लाइन डली हुई है। कॉलोनी में नलकृप व्यवस्था हो रही है, मगर इस कॉलोनी में कनेक्शन नहीं जोड़े जा रहे। पानी के लिए जनता बहुत परेशान हो रही है। एक वर्ष से सभी कॉलोनी वासियों के प्राइवेट टैंक आते हैं, जो प्रति टैंक 300 से 400 रुपए प्रति टैंक लिया जाता है। कॉलोनी वासी निहारिका ने बताया कि इस ट्यूबवेल का सामान्य बिल हर माह जमा करवाया जा रहा है। प्रशासन को भी कई बार अवगत करवा दिया गया, प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर अरविंद सिंह मामराज, मदन लाल नरेश, पुष्पा खेमानी, सिमरन चंदा व समस्त कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।